नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं लजीज आलू के पराठे। 1 किलो आलू लेंगे और उसका उबाल लेंगे। उबालने के बाद आलू को अच्छे से छीलेंगे। आलू को छीलने के बाद चूँकि आलू गर्म रहते हैं तो तुरंत ही उसमें नमक मसाला वगैरह ऐड नहीं करेंगे हम। कम से कम 5 या 6 मिनट के लिए छीलने के बाद उसको कपड़ा ढककर छोड़ देंगे। उसके बाद जो आलू हैं उनमें कड़ापन आ जाएगा। थोड़ा कड़ी पत्ता लेंगे, उसको बारीक काट लेंगे। उसके बाद आइए आगे के मसाले ऐड करते हैं हम। 1 किलो आलू में 1 टेबल स्पून कलौंजी, 1 टेबल स्पून अमचूर मैंगो पाउडर, 1 टेबल स्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर या अकॉर्डिंग टू द टेस्ट 2 पिंच हींग, नमक स्वाद अनुसार और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया। कड़ी पत्ता आलू में मिलाएंगे। उसके बाद जो भी इंग्रेडिएंट हमने निकाले हैं उन सभी को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में इनको अच्छे से मैश करेंगे पोटैटो को, जिससे जो भी इंग्रेडिएंट हमने डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे। बहुत हल्के हाथ से पटाटो को मैश करना है। पटाटो को मैश करते हुए ध्यान रहे कि लम्स ना रहें, अन्यथा वो पराठे से बाहर आ जाएंगे। पटाटो मैश करके ये पिट्ठी तैयार हो गई है हमारी। अब आटा गूंथते हैं। आटा गूंथने के बाद 10 मिनट तक उसको छोड़ देंगे। तब तक आइए हम पुदीने की हरी मिर्ची की चटनी बना लेते हैं। ये देखिए मेरे बागान में लगा हुआ पुदीना है, इसमें से बिल्कुल ताज़ा ताज़ा पुदीना ले लेंगे हम। उसके बाद ये मेरे ही बगीचे में लगी हुई हरी मिर्ची हैं, कुछ हरी मिर्ची ले लेंगे। पुदीना, हरी मिर्ची और प्याज मिलाकर उसकी चटनी बना लेंगे। मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। तब तक जो हमारा आटा हमने रखा हुआ है वो अच्छे से लग जाएगा। आटा गूंथने के बाद कम से कम 10 मिनट तक उसको छोड़ना होता है। ये हरी मिर्ची, पुदीना हमने मिक्सी के जार में रख लिया और एक बड़ी प्याज इसको टुकड़ों में काट कर रख लिया है और चटनी बना देंगे मिक्सी में। अब आइए हम पराठा बनाते हैं। ये रोटी को बेलकर उसमें पिट्ठी को अंदर फिल कर लेंगे। पिट्ठी फिल करने के बाद में हल्का सा आटा लगाकर बेलन की सहायता से रोटी को रोल करेंगे। जो बेलन है उसको थ्रूली रोल करेंगे जिससे जो पिट्ठी है वो बाहर ना आ पाए। ये इस तरह से हल्के हाथ से, बहुत ही सॉफ्ट हाथ से इसको रोल करना है। गैस को हमने चालू किया है और तवा हमारा गर्म हो चुका है। ये पराठा अच्छे से बेल गया है। अब इसको तवे पर डाल देंगे और जो भी ऑयल आप यूज़ करना चाहें, अभी हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं जो घर से निकाली हुई सरसों का है। आप चाहें रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरफ ऑयल लगाने के बाद में इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ भी ऑयल अप्लाई करेंगे। और अच्छे से ऑयल अप्लाई करने के बाद में